स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ और हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो जो भी चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो, जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो। लाइक तो बहुत कम आते हैं मेरी वीडियो पर, कमेंट तो 100 से ऊपर हो ही जाते हैं, पर कमेंट करने वाले प्लीज़ आप लोग जब वीडियो वॉच करते हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि हमारी वीडियो पर इतने फ्रेंड्स आए थे, इन्होंने इतना हमारा वीडियो वॉच किया है। और जितना ही मतलब कि व्यूज़ होते हैं अगर उतने ही लाइक हो जाए तो क्या बात हो ना, मज़ा आ जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। तो फ्रेंड्स अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है और टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो कंटिन्यू करने का, तो अभी मैं है ना 1 दिन या 2 दिन के बाद ही वीडियो लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी वीडियो पर न्यू आते हैं या फिर वीडियो जो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स देखते हैं प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो। और फुल वॉच करने के साथ साथ मतलब कि मैसेज और कमेंट भी कर दिया करो प्यारे से और एक लाइक भी कर दिया करो। तो मैंने 2 दिन पहले जो एक वीडियो अपलोड किया था उस पर रिक्वेस्ट आई थी कि मैंने हेयर रूटीन वाला वीडियो शेयर किया था, मतलब कि हेयर केयर रूटीन वाला। तो उस पर रिक्वेस्ट आई थी कि फ्रेंड्स ने बोला था कि जो आप हेयर ऑयल मसाज वाला वीडियो बनाओ, एक फ्रेंड है उन्होंने बोला था। तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं अपने ऑयल मतलब बालों में जो मसाज करती हूँ उसी पे मैं जितना भी मुझे मसाज आता है जिस तरीके से मैं करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कर दिया करो। और जो मैं अपने बालों में हेयर ऑयल यूज़ करने वाली हूँ वो मैंने खुद से घर में बनाया है और वो मैंने सरसों के ऑयल में बना रखा है, तो मैं आपको वो दिखाऊँगी और उसमें मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मिला रखे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सरसों का तेल है और सरसों के तेल में ही मैंने बना रखा है ये जो ऑयल बना रखा है। इसमें मैंने क्या क्या डाल रखा है, मेथी दाना डाल रखा है, कड़ी पत्ता हर घर में होता है, नीम के 2-3 पत्ते डाल रखे हैं और आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं क्योंकि प्याज में काफ़ी सारे गुण पाए जाते हैं और काफ़ी अच्छा होता है प्याज। और कैल्शियम वगैरह आयरन वगैरह की जो कमी हो जाती है और जो हमारे शरीर में डैंड्रफ वगैरह हो जाता है वो भी नहीं होता है इस ऑयल से। तो अगर आप चाहें तो मैं, ये मेरा लास्ट ऑयल है तो मैं जब भी इसको दोबारा से प्रिपेयर करूँगी तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू, वीडियो को बनाना करते हैं स्टार्ट और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों में हेयर ऑयल कैसे करती हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को बनाना करते हैं आगे स्टार्ट।